हम आपके लिए चाहते हैं
कि आपकी जिंदगी खुशहाल और सुरक्षित रहे। तो आप बताइए, हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की के लिए। हम लोगों ने टिकट में इस बार सभी लोगों का ख्याल रखने का काम किया है, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो उनका भी ख्याल रखा गया, स्वयं जाति के लोग हो उनका भी ख्याल रखा गया, पिछड़ी जाति के लोग हो उनका भी टिकट देने में ख्याल रखा गया, और आपकी पिछड़े समाज को तो हम लोगों ने गठबंधन में 24 से 26 टिकट देने का काम किया है। इसलिए हमने एक कदम आपकी तरफ बढ़ाया है। नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता, गरीबी नहीं मिटा सकता, भुखमरी नहीं मिटा सकता, पलायन नहीं रोक सकता इन 15 सालों में, घोटाले नहीं रोक सकता 15 सालों में, वो अगला 5 साल में कोई काम नहीं कर पाएगा, कोई काम नहीं बताओ, कोई कोई जनता बताए कि हमारा के एक मौका मिली कि ना मिली, दोनों हाथ उठा करके बताइए एक मौका मिले। देखिए हम खेत शुद्ध है, हमने भी संकल्प लिया है, हमने भी संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री बनते जो पहला कैबिनेट मीटिंग होगा, देश के इतिहास में पहली बार, देश के इतिहास में पहली बार अगर मेरा पहला कलम चलेगा, पहला हस्ताक्षर अगर हम करेंगे, तो 1,10,00,000 नौजवानों को में अंतर है। सही है, सही है। पकौड़ा तलना भी रोजगार है, नाला साफ करना भी रोजगार है, लेकिन हम 10,00,000 पक्की सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। 4,50,000 पद खाली है, नहीं कर देंगे माफ कर देंगे, परीक्षा केंद्र में जाने का जो किराया होता है वो हम देंगे। हाथ उठाइए, कई बुजुर्ग लोग हैं, कई माता है, किसी को वृद्धा पेंशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, मिलता है तो 400 रुपया मिलता है, बताओ प्याज का दाम 80 रुपया किलो हो गया। हमारी सरकार बनेगी तो 400 तो 1,000 वृद्धा पेंशन कर देगा। जितनी आंगनबाड़ी महिला है, जितनी आशा वर्कर है, जितनी जीविका दीदी है, विकास मित्र है, उन सभी के मानदेय को दुगुना करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। कृषि ऋण को माफ करेंगे, कृषि ऋण को माफ करेंगे, और जितना आप देखिएगा बिजली का दाम है, बिहार सरकार उत्पादन नहीं करती है, खरीदती है, दुगुना ऋण में बेचती है। हमारी सरकार बनेगी तो उत्पादन बिजली का हम खुद करेंगे और बिजली का दाम आ रहा है। इस दिशा में काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे प्रदेश में अमन चैन वातावरण कायम हो, नफरत खत्म हो, प्यार और मोहब्बत की बात हो। इसलिए हम आप लोगों से एक मौका मांगना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी को आपने बीजेपी को 15 साल दिया, डबल इंजन की सरकार रही, बिहार का अधिकार इन लोगों ने नहीं दिया, अपना अधिकार इन लोगों ने नहीं दिया, एक मौका खाली 5 साल के लिए मांग रहे, 5 साल के लिए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ से पहले जी उम्मीद हम चाहेंगे, समझिए यहाँ से पहले जी नहीं बल्कि तेजस्वी यादव गोपालपुर से चुनाव है, भैया।
बचेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।